आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम से बनने वाला मसालेदार आम पापड़। मैंने इसको मीठा बनाया है, अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं तो आप बिना चीनी के भी सेम इसी प्रोसेस से ही बना सकते हैं इजीली। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बनने वाला चटपटा आम पापड़। तो इसके लिए आपको चाहिए एक, ये मैंने चार आम भी ली हैं, ग्रीन आम भी हैं ये, इसको मैंने छील के और कद्दूकस कर लिया है और फिर हम मिर्ची में पीस लेंगे। और साथ ही हम लेंगे ये चीनी है, चीनी हम 250 ग्राम करीब लेंगे। और हमें चाहिए चौथाई चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच काला नमक। ये हमने चौथाई चम्मच गरम मसाला और चौथाई चम्मच काली मिर्च, ये मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। अब हम इसे स्टील के पैन में डालकर गैस पर रख देंगे और इसे सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। ये मैंने चला लिया है अच्छे से। अब इसमें हम जो हमारे मसाले थे वो हम डाल देंगे। इन मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा चटपटा लगता है। और साथ ही हम जो चीनी है उसको भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाएंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसका जो है हम पानी सुखा लेंगे, इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया है या नहीं। हम ज़रा सा डॉट लेकर इस पर रख के और देखेंगे ये पूरा नीचे जा रहा है नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा, वहीं स्टेबल है, तो यानी कि हमारा अब ये जैम बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब मैंने एक स्टील का थाल ले लिया है, उसको हम अच्छे से पूरा ऑयल से स्प्रेड कर देंगे, पूरा अच्छे से फैला देंगे। और अब जो हमने बैटर ले रखा है उसको हम इसमें डालेंगे। और बहुत मोटा नहीं डालना है, मींस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा जो आम पापड़ आता है मार्केट में वो पतला ही होता है। अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बीच में डालकर और इसको इस तरह से पूरा टेढ़ा कर दिया है। धीरे धीरे ये जितनी जगह में आ पाएगा उतना ये बन जाएगा, बिल्कुल पतला बनाना होता है हमें ये। ये मैंने दूसरा थाल लिया है, इसको हमने पूरा इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो इस तरह से मैंने ये अच्छे से दो थाल में कर दिया है, एक इस थाल में एक दूसरे में। आपके जितने कंटेनर में आए आप उसी में कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे और या फिर आप पूरा 8 दिन के लिए पंखे के नीचे इसको रख सकते हैं। ये देखिए हमारा जम चुका है, हम इसको इस तरह से उठाएंगे। देखिए पूरा आपका इजीली अच्छे से उठ रहा है, ये आपका जम चुका है अच्छे से। और इनके हम पीसेस काट लेंगे। ये देखिए मैंने पीसेस में कट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया बना है ये जम के। तो आप इसे बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।